जय श्री महाकाल दोस्तों, मैं पंडित विशाल दुबे एस्ट्रोविडी न्यूज धरोहर में आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। न्यूज धरोहर के कार्यक्रम सितारे अच्छे हैं। मैं आज हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें हम चाचा जी के नाम से भी जानते हैं, की पत्रिका का विश्लेषण करेंगे कि किन ग्रहों के कारण नेहरू जी को इतनी प्रसिद्धि मिली, नेहरू जी को ऐसा कौन सा ग्रह नक्षत्र और ऐसी कौन सी दशा ने सपोर्ट किया जिसके कारण नेहरू जी इतने बड़े प्रसिद्ध प्रधानमंत्री के साथ साथ विश्व के नेता बने। इसके साथ ही हम जानेंगे कि किन सितारों की वजह से नेहरू जी की बाद में कुछ आलोचना भी हुई। इन सभी सवालों के जवाब आज हम सितारे अच्छे हैं के कार्यक्रम में जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू जी का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 14 नवंबर 1889 का है। टाइम जो है उनका 23:30, मतलब रात के 11:30 बजे उनका जन्म इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। आस्केसा नक्षत्र में उनका जन्म हुआ। उनकी जो लग्न का विद्यमान हुआ वो कर्क राशि का और कर्क लग्न ही विद्यमान हुआ। देखिए दोस्तों, हम हमेशा बात करते हैं कि लग्न का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री की पत्रिका कर्क लग्न की पत्रिका है। कर्क लग्न की पत्रिका के साथ ही साथ उनकी जो राशि है वो भी कर्क है। दोस्तों, निश्चित तौर पर चंद्रमा का योगदान उनके जीवन में काफी रहा। कर्क लग्न में ही बैठना बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों, बहुत अच्छा राजयोग होता है। जैसा कि हमने कुछ पुरानी पत्रिकाओं में भी देखा है, लाइक हमारे देश के प्रधानमंत्री जो भी वर्तमान में है, नरेंद्र भाई मोदी जी की पत्रिका में हमने उसमें भी आपको बताया था कि उनका लग्न काफ़ी स्ट्रांग है। हमने आपको डोनाल्ड ट्रंप की पत्रिका में भी बताया था कि उनका भी लग्न काफ़ी स्ट्रांग है। तो जब भी मित्रों, लग्न किसी भी जातक का स्ट्रांग होता है, निश्चित तौर पर वह अपार सफलता प्राप्त उसके जीवन में करता ही करता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। कर्क लग्न की पत्रिका के साथ साथ उनकी पत्रिका में जिन ग्रहों ने उनका इतना सपोर्ट किया, मैं निश्चित तौर पर कहना चाहूँगा राजनीति के लिए राहु का होना बहुत जरूरी होता है। आप देख सकते हैं कि इनकी पत्रिका में भी उच्च का राहु 12वें भाव में बैठा हुआ है, जिसने उन्हें इतनी लोकप्रियता पूरे विश्व में प्रदान करी। कहीं ना कहीं इन्हें कुछ आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ रहा और कहीं ना कहीं इनके लाइफ में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स भी आए होंगे निश्चित तौर पर। देखिए दोस्तों, पत्रिकाओं में बहुत से राजयोग तो बने हुए हैं इनके, परंतु कहीं ना कहीं कुछ वीक पॉइंट भी इनकी पत्रिका में हमने फाइंड आउट किए हैं, जैसे कि लग्न में ही पापकत्वी दोष का विराजमान होना। तो निश्चित तौर पर जब भी लग्न में पापकत्वी दोष का निर्माण होता है तो ऐसा व्यक्ति कभी भी एक जैसी स्पीड में आगे नहीं बढ़ पाता है, उसके जीवन में काफ़ी परेशानियाँ भी होती है। साथ ही साथ हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इनकी पत्रिका में कुछ ऐसे भी राजयोग थे जिसके कारण इन्होंने प्रधानमंत्री के साथ साथ मृत्यु के बाद इतना नाम कमाया। यह भी बहुत बड़ा राजयोग होता है दोस्तों। हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे जीवन में मृत्यु के बाद कहीं ना कहीं दुनिया हमें याद करे। देखिए दोस्तों, इस प्रकार के राजयोग निश्चित तौर पर हमने हमारे नेहरू जी की पत्रिका में पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं गुरु विपरीत राजयोग बना रहा है। गुरु बैरागी होता है, गुरु वैराग्य होता है, गुरु सानिध्य होता है, गुरु ध्यान ज्ञान होता है, और कहीं ना कहीं लोगों व्यक्ति को उसके ज्ञान के कारण ही जाना जाता है। और साथ में केतु का इन्वॉल्वमेंट हो जाना तो अपार सफलता अपार ज्ञान का व्यक्ति धनी भी होता है, साथ ही साथ परलोक संवरने के बाद भी उसे पूरा विश्व उसे नमन करता है, उसे याद करता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, 6वें भाव में गुरु और केतु की युति भी कहीं ना कहीं इनके लिए काफ़ी सपोर्टिव रही है। मैंने इसमें एक चीज़ और फाइंड आउट करी है कि जब इनका मृत्यु 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 का जो समय था 1964 अराउंड में हमारे नेहरू जी की मृत्यु हुई थी, उस समय की जो दशा थी, देखिए 12वां राहु राहु की दशा चल रही थी, राहु 12वां और साथ ही साथ अष्टम भाव मृत्यु का होता है, अष्टम भाव के स्वामी शनि की अंतर दशा आई। जैसे ही राहु में शनि का अंतर आया, हमारे नेहरू जी परलोक संवार गए। निश्चित तौर पे बहुत से सारे राजयोग इनकी पत्रिका में निर्मित है। कहीं ना कहीं पितृदोष का भी इनको कारण इनकी पत्रिका में विराजमान होना भी कहीं ना कहीं इनके पारिवारिक के साथ साथ इन पर कहीं ना कहीं हर बार आलोचना का भी सामना इनको करना पड़ा। आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय श्री महाकाल। आप सभी को दीपावली की एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएँ। जय श्री महाकाल।